दोस्तों फैंस जिन फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बस ये इंतजार ठीक 2 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है अजय देवगन की थैंक गॉड और वहीं अक्षय कुमार की राम सेतु। जहां दोस्तों फैंस इन दोनों फिल्मों का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे और फिलहाल इन दोनों फिल्मों की जो एडवांस है वो ताबड़तोड़ चल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों फिल्मों की अभी तक टोटल कितनी एडवांस हो चुकी है और वहीं अपने फर्स्ट डे पर इन दोनों फिल्मों का कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहने वाला है, फिल्मों का बजट कितना है, फिल्मों को कि कैसा बस दिख रहा है। फिलहाल तो बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप अक्षय कुमार और अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम थैंक गॉड फिल्म की, जो कि इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी है, जिसमें अजय देवगन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। बात करें फिल्म के बजट की तो लगभग 100 करोड़ रुपए बजट है फिल्म का और फिल्म को लेकर जो बस है वो उतना अभी फिलहाल ज्यादा नहीं दिख रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है वो कल ही स्टार्ट कर दी गई थी और अभी कुछ लिमिटेड जगहों पर ही एडवांस चल रही है, अभी पूरी तरह से एडवांस बुकिंग शुरू नहीं की गई है। वैसे अगर बात करें फिल्म की अभी तक जो एडवांस है वो लगभग 31 लाख रुपए की हो चुकी है और वहीं अगर मैं बात करूं फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो जिस तरह से फिल्म ने अपने एडवांस बुकिंग में शुरुआत की है, क्योंकि अभी कुछ लिमिटेड जगहों पर ये एडवांस चल रही है, तो जैसे ही फुल्ली एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी तो ये आंकड़ा जो है वो बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है। तो फिल्म की जो एडवांस है वो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए होने वाली है और फिल्म का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 14 से 15 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर रहने वाला है। वहीं अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 20 करोड़ रुपए के भी पार जाएगा और ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर थैंक गॉड फिल्म 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद फिल्म को रिव्यू अच्छे मिलते हैं तो हो सकता है फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब हो और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो। लेकिन दोस्तों बात करें अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की, जहां दोस्तों फैंस इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और फिल्म का जो बज़ है वो बहुत ही तगड़ा बना हुआ है। अगर बात करूं फिल्म की अभी तक एडवांस बुकिंग की तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिषेक शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी अहम किरदारों में नजर आने वाली है। वैसे फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपरहिट होने के लिए तगड़ी कमाई करनी है। फिल्म की अगर अभी एडवांस बुकिंग की बात करें तो दोस्तों फिलहाल फिल्म ने अभी 55 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है और अभी कुछ लिमिटेड जगहों पर ये एडवांस चल रही है, हो सकता है कि शाम तक फुल्ली एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फिल्म को रिलीज होने में अभी सिर्फ 2 दिनों का ही टाइम बाकी रह गया है। तो फिल्म का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उम्मीद थी कि फिल्म अब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग लेगी, लेकिन अभी लगता नहीं है फिल्म के बस को देखकर कि फिल्म 25 करोड़ तक की ओपनिंग लेगी। मुझे लगता है कि फिल्म का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए रहने वाला है और वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में 30 करोड़ रुपए से ऊपर का ही कलेक्शन करने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।